मॉर्निंग बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट आई है 21-9 की साइंस की वर्कशीट है। हम लोग पिछली क्लास में भी त्वरण पढ़ रहे हैं, विस्थापन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ये लिया है, तो आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आप अपने घर में सेफ होंगे और अपने तबीयत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गति में समीकरण क्या है और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कोई भी वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई वस्तु एक समान त्वरण में चलती है, जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि व्हेन दी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ इक्वल डिस्टेंस चलो, फिर 5 किलोमीटर आधे घंटे में चलो, मतलब इक्वल डिस्टेंस मैं मेंटेन कर रही हूँ और इक्वल टाइम में, तो उसके जो है ये तीन समीकरण होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो तीन समीकरण जो हैं, पहला जिनमें से है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें जो v है, जो u है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है, जो v है वो अंतिम वेग है, a जो है वो त्वरण है, s जो है वो तय की गई दूरी है, और t जो है वो टाइम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा हम लोग पहला जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वो ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें एक ये ग्राफ देखना पड़ेगा, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को हम लोगों ने देखना है। इसमें आप ये देखिए कि एक आयत बना हुआ है ए ओ डी सी, ठीक है, जिसमें जो ए ओ है ये वाला, ये है u आरंभिक वेग, ठीक। जो v है ये टोटल, ये बी सी है, ठीक। और जो ये t है ये है ओ सी। यहाँ पे सबको समझ आ गया तीन चीज़ें कि जो ये a हो वो u है, और ये पूरा का पूरा जो है ये v है और ये t है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम लोग ये देखो बी डी जो है, ये बी डी ये वाली चीज़, इसको अगर हमने सिर्फ निकालना है बेटा, तो हम इस पूरे बी सी में से अगर इस डी सी को निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको नोट्स भी भेजे हैं, वो भी आप देख लेना। ये जो पूरे बी सी में से अगर हम ये वाला पार्ट निकाल दें तो हमारे पास ये बी डी आ जाएगा, राइट, ठीक। इतना हमें समझ आ गया कि बी डी निकालने के लिए हम लोगों को बी सी में से सी डी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। इसका मतलब जो बी डी है, ये पूरा का पूरा ये बी डी है, वो क्या है, बी सी माइनस ए ओ, बी सी माइनस ए ओ। क्यों भाई ए ओ? क्योंकि ए ओ और जो डी सी है वो बराबर ही है ना, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए ओ, ओके। अच्छा, अब ये जो है कि जो ये बी सी है, ये पूरा को पूरा बी सी, इसको हम बी डी प्लस ओ ए लिख रहे हैं। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा बी सी है, ये जो है ये मतलब बी डी प्लस डी सी है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा बी सी है बेटा, दिस इज़ बी डी प्लस डी सी। अब जो डी सी है वो किसके बराबर है, ओ ए के बराबर, तो इसका मतलब ये जो बी सी है वो हो जाएगा बी डी जमा ए ओ, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब जो बी सी है वो तुम्हें पता है वी है, ठीक, और बी डी जो है वही हमने निकालना था, और जो ओ ए है वो हमने पहले ही बता दिया था वो यू है, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसको आप पहली इक्वेशन लिख लो, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। दोबारा समझिए, जो ये पूरा बी सी है दैट इज़ इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है। और जो बी डी है, बी डी ही हमने ज्ञात करना है, तो जो ये बी सी हो जाएगा बी डी जमा डी सी की जगह सिर्फ हमने ओ ए लिखा है, क्योंकि डी सी और ओ ए बराबर हैं, मैंने और कोई चेंज नहीं करा है, और बी सी जो है वो वी है,
OA जो है U है, तो BD की हमारी वैल्यू आ गई V माइनस U, एक इक्वेशन बन गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं दूसरे इक्वेशन पे। अब है कि BD इज इक्वल टू V माइनस U हो गया। सेकेंड चीज़ है जो एक्सेलरेशन होता है, इसी डायग्राम से ही करते हैं। जो A होता है वो आपको पता है, त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, और बटा समय होता है। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में जो परिवर्तन है बेटा वो क्या है? BD, ठीक है। अभी तो आपने निकाला, अभी आपने निकाला ना कि BD जो है वो V माइनस U है, यही निकाला आपने, तो ये तो वेग में परिवर्तन है। तो जो त्वरण की आपको मालूम है, त्वरण होता है V माइनस U बटा T, है ना। मतलब वेग का, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन यहाँ पे BD है, ठीक है, और समय जो है यहाँ पे AD है। क्यों है समय AD? ये देख लो, OC अगर T है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वाली समानांतर लाइन भी T होगी, जिसका नाम क्या है? AD। तो ये हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू BD बटा AD, ठीक है, समझ आ गया। BD बटा T भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि भाई AD जो है वो टाइम है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई BD इज इक्वल टू AT। पहली इक्वेशन हम लोगों के पास आ गई थी BD इज इक्वल टू V माइनस U, अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? BD इज इक्वल टू AT, ठीक है। क्या BD, पहली इक्वेशन आ गई थी BD इज इक्वल टू V माइनस U, ठीक है, दूसरी इक्वेशन आ गई BD इज इक्वल टू AT, राइट। अगर हम बेटा इन दोनों को BD BD लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, यही कहते हैं ना, इफ़ LHS इज इक्वल देन RHS इज ऑल्सो इक्वल। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास सीधी इक्वेशन आ गई वी माइनस इज इक्वल टू यू टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, राइट। यही हमें चाहिए थी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारी समीकरण पहला वाला आ गया जो हमने निकालना था, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताना, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसका उदाहरण हम करेंगे। किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में, देखो विपरीत दिशा में गति के त्वरण उत्पन्न हो रहा है। जब विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है तो माइनस होता है, ध्यान रखना, जिसको डिक्लेरेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऑब्वियसली वो माइनस में होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड समय लेती है, टाइम इसमें कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड। इन्होंने देखो यही लिखा ना, बस में ब्रेक लग रहे हैं, तो इसका मतलब जो इसकी गति है, जो इसकी फाइनल वो है, क्या कहते हैं उसे, गति, हाँ, वी जो है फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो इसमें ज़ीरो हो गई। अब U जो है वो हमें ज्ञात करना है, A जो है वो हमें -6 दिया हुआ है, टाइम हमें 2 दिया हुआ है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? -12। तो हमारा यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू 12, ठीक है। आपको ये बात क्लियर हो गई? कैसे? V इज इक्वल टू U प्लस ए टी है, राइट, U की जगह U ही आ जाएगा, A जो त्वरण है वो -6 आ जाएगा, टाइम 2 है बस, तो U -12 इज इक्वल टू 0, तो U आ जाएगा 12। जब ये उधर जाएगा तो इसका ए साइन भी हट जाएगा, तो हमारे पास टोटल प्रारंभिक वेग आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब आज के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। गति के 3 समीकरण लिखिए, तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये 3 समीकरण हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, गति के पहले समीकरण को वेग समय के ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। यही मैंने जो आपको पूरा एक्सप्लेन करा है और मैंने इसके नोट्स भी भेज दिए हैं, वो आपको देख ये ग्राफ से एक्सप्लेन करना है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर पूछ लेना। फिर है गति के समीकरणों में V, U, S, T और A क्या करते हैं? V जो फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है जिसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, S जो है विस्थापन है, T जो है टाइम है, A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है।
क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेरीज, यू आर ऑलवेज वेलकम। इसको मैं यूट्यूब में भी डाल रही हूँ, आपने बाद में देखना हो तो बाद में भी चेक कर सकते हैं। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।